भाई मैंने होटल लिया था यहाँ पे, आप लोगों को मैंने जैसे कि पहले दिखाया, डेढ़ घंटा हो गया मेरे को ऑलमोस्ट। अब डेढ़ घंटे बाद ये कह रहे हैं भाई होटल खाली करो। हेलो दोस्तों, राम राम, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के पी ब्रदर्स पे फिर एक बार। आज भाई इतने दिनों बाद जो सपना था ना वो पूरा होने जा रहा है। मैं जा रहा हूँ भाई अपनी वाइफ और अपनी सिस्टर के साथ केदारनाथ इस बाइक पे। भाई हम जा रहे हैं इस पे और अपना लगेज वगैरह जो भी है बहुत कम लिया है मैंने, क्योंकि भाई ऊपर लेके जाते हैं तो भाई टांग के जाना पड़ता है, और मैंने बोला होटल वगैरह में छोड़ो तो फिर आज सामान ना रह ही जाते नीचे, कुछ कुछ ज़रूरत पड़ जाता तो उसे हम लेके कैसे जाएंगे। तो इसलिए मैंने बहुत कम सामान लिया अपना, और इन दोनों में रेनकोट है, दोनों में तीन रेनकोट है हम तीनों के, बाकी अपना सेटअप वेटअप ये रखा और बाइक पूरी ये तैयार। और टाइम देख लो भाई, टाइम हो गया 6:15, अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते चलते बातें करते हैं। और मौसम देख लो भाई, बड़ा ही खतरनाक, सुबह सुबह हो चुकी है थोड़ी बहुत बारिश। तो यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में करते हैं आप लोगों से बातें। तो भाई अपना लग गया ये गोप्रो, बैठते हैं इस पे। बैठो भाई। बैठ गए तीनों? पता ही नहीं चला यार। हाँ बस थोड़ा सा हाथ साइलेंसर पे पैर मत रखियो बहन, एक ही पे रख लो दोनों। चलो भाई दोस्तों यहाँ से चलते हैं जयकारा लगाते हुए। बोल हर हर महादेव। बड़े ही स्लो बच्चे बैठे हैं पीछे। अब भाई यहाँ से अपन ने स्टार्ट तो कर दिए 6:20 पे, और पता है अभी ना सुपरनोवा ना पूरा ढक चुका था, अभी 3-4 दिन पहले ऐसी मौसम हुआ था ख़राब, तो पूरा सुपरनोवा ऊपर के 3-4 माले गायब। अब यहाँ से हम ज़्यादा तेज़ नहीं चलेंगे भाई, आराम आराम से चलेंगे और लंबा चलेंगे। और R15 से तो भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है बुलेट, तो इस पर चलने में देखते हैं अपना, क्योंकि हम तो लास्ट टाइम भी इसी बुलेट पे गए थे जब हम 5 बंदे गए थे। बाकी रेनकोट को मैंने बैग में इसलिए नहीं रखा, मैंने बोला यार मौसम ना ज़्यादा ख़राब है, अभी भी कहीं पे भी बारिश हो इससे अच्छा ना रेनकोट को बाहर ही रखते हैं। बैग में रखेंगे फिर बैग को खोलना पड़ेगा, फिर रेनकोट निकालो फिर पहनो, भाई बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाएगा, तो इससे अच्छा हाथ मेरे वही ठीक है। और एक दिमाग ये ख़राब हो रखा है यार, ये वाला रास्ता अगर खुला रहता ना, खुला नहीं है, क्योंकि इसमें ना कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, आज एक हफ्ता हो गया। ये देख लो भाई ये वाला रास्ता बंद है, इधर से जस्ट थोड़ा सा आगे जाता है, हमें यूँ घूमना था बस और कुछ नहीं। कोई नहीं है, हम 37 से भी जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों हम लोग यहाँ पे पता है किस लिए रुके हैं? हम रुके हैं इसके लिए, एक मिनट साइड हो ना। क्या है ये? अबे क्या था ये? बैठो 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 भाई। ये पता है गाड़ी ना बंद हो गई थी और ये स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा, मैंने बोला यार ये पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा यार, मतलब चलो भाई आप लोगों को बता दूँ, लेकिन भाई देखो आप लोगों को बताने से पहले गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। चले पकड़ो इसे। बस भोलेनाथ बिगर किसी समस्या के पहुँचा दो भाई। अभी ये बंद हो गए और स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले गाड़ी, मैंने बोला यार पता नहीं इसमें क्या हो गया, और जैसे ही मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं बता दूं वैसी भाई ये स्टार्ट हो गई। दोस्तों यहाँ पे ना बारिश ही स्टार्ट हो गई है, तो भाई मेरे को ना अपना गोप्रो खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में ना ये पूरा स्क्रीन जो है इसका वो पूरा बारिश से भीग जा रहा है और फिर आगे का ना ब्लर हो जा रहा है, तो इसको मैं फ़िलहाल खोल के रख लेता हूँ। आगे जहाँ पे भी जैसे भी जो होगा वो मैं आपको कंटिन्यू दिखाता रहूँगा,
जहाँ पे भी मैं रोकूंगा, तो यहाँ से इसे मैं बंद कर लेता हूँ, और जहाँ तक बारिश होती है वहाँ तक भाई इसके बगैर ही चलना पड़ेगा, गोप्रो के बगैर, तो इसे भी मैं निकाल लेता हूँ। मेरे भाई हम लोग पहुँच गए भाई, ये अपना छोटा हरिद्वार बोलते हैं वो पीछे चले गया, वहाँ से ना बारिश वारिश थोड़ी सी बंद हो गई थी, तो मैंने सोचा ना आप लोगों को भाई ये दिखा दिया जाए कि भाई हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये वाला जो हाईवे है, अभी हमें यहाँ से 70 किलोमीटर दिखा रहा था जब हम इस हाईवे पे चढ़े थे, और हम 74 दिखा रहा था, हम 43 किलोमीटर चल चुके हैं इस हाईवे पे। कार से याद आया, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ भाई, अपना ना प्लान बना हुआ था कार से आने का, ठीक है, और कोको को भी लेके जाने का प्लान बना हुआ था, लेकिन वो प्लान भाई कैंसिल हो गया। किस कारण कैंसिल हुआ? एक अपना भाई है, तो भाई का नाम नहीं बताऊंगा मैं, कभी डायरेक्ट मिलवाऊंगा, तो उस भाई का जो कार है ना उसमें हम जाने वाले थे, लेकिन उस बंदे के साथ ऐसा सीन हो गया, वो भाई जहाँ जॉब वगैरह अपना करता है ऑफिस में, वो मैनेजर लेवल पे काम करता है, तो उसको ना उसने पहले ही छुट्टी के लिए बोल दिया था, तो कंपनी ने बोल भी दिया था ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है कर लेना। अब भाई एंड मोमेंट पे कंपनी ने बोल दिया कि भाई तुम्हें ना आगरा जाना पड़ेगा, जब बंदे ने पूरी पैकिंग वगैरह कर ली रात में। तब मैं ये सोच रहा था कि मैं ये आपको 2-4 दिन पहले बता दूँ कि भाई हम कार से जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है, कोको भी जा रहा हमारे साथ, लेकिन मैंने बोला नहीं भाई, जब तक प्लान पूरा सक्सेसफुल ना हो ना, जब तक गाड़ी में ना बैठ जाए, वो टाइम आने दो, तभी बताऊंगा, मैंने ये सोचा था, और अच्छा ही करा मैंने ऐसा करा, नहीं तो भाई प्लान कैंसिल हो जाता ना, कुछ और बताओ और कुछ और करो, तो फिर मज़ा नहीं आता भाई। मैंने सोचा ये दोनों बोर ना हो, तो इनके लिए टेढ़े मेढ़े और ये चिप्स वगैरह ले लिए मैंने। लो भाई चाय नहीं बोल दिया, चाय हाँ चाय भाई बाद में पिलाऊंगा, चलो हाँ ठीक है कुल्लड़ा वाली। भाई अब आ गए हम हरिद्वार वाले मेन हाईवे पे, जिस पे हमें अलाउड नहीं था वो वाला रास्ता, मतलब हमने फाइनली पकड़ लिया, और यहाँ से एक बार इसे करते हैं ऑन, और हरिद्वार जो है यहाँ से 40 किलोमीटर है और ऋषिकेश है 61 किलोमीटर। अब मैं सोच रहा हूँ हरिद्वार पे रुकूँ या सीधा ऋषिकेश पे रुकूँ, लेकिन हरिद्वार पे थोड़ा सा नज़र मारते हुए चलेंगे, थोड़ा सा रोक के। बाकी जैसे कि मैंने बोला था भाई ज़्यादा तेज़ नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो भाई धीरे धीरे ही जा रहे हैं, क्योंकि अकेला होता तो चलो थोड़ी तेज़ भी भगा लेता। भाई हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और अब यहाँ से देहरादून जो है, ओ देहरादून क्यों कह रहा हूँ यार मैं, ऋषिकेश 26 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, ये देख लो भाई। बाकी साइड में देखते हैं, थोड़ा बहुत रुकेंगे, 5-10 मिनट रुकने के बाद फिर निकलेंगे हम आगे। पानी तो भाई फुल हो रखा है, फुल। जब भाई रोक रहे हैं तो सही से रोक लेते हैं। खोल ही रहा हूँ। तो मेरे भाइयों यहाँ पे हमें चाय वगैरह पीना था, तो मैंने बोला चाय भी पी लेते हैं और थोड़ी देर रुक भी जाते हैं। कंटिन्यू सुबह से चल रहे थे हम। अब भाई इन दोनों ने ना मेरा रेनकोट वगैरह सब उतरवा दिया। अब भाई इधर जो टैनिंग होगी तगड़ी वाली, वो मुझे ही पता है। अभी देख लो भाई कैसा है, और बिफोर एंड आफ्टर वाला देख रहा है कैसा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आपको नहीं। बोलो बोलो आपको नहीं, हमें भी होगा टैनिंग। अच्छा थैंक यू। बाकी अब यहाँ से ऋषिकेश भी कोई ज़्यादा दूर है नहीं। तो मेरे को तो लगा भाई सब कुछ होगा, तो मैं पैकिंग करूँगी ना भाई, मैं तो घर आई थी, तो पवन और ये लोगों का नाटक चलने लग गया। अब रात के 2-3 बजे अगर क्या कहते प्लानिंग होगी कि भाई चलो फाइनली हम बाइक से चलते हैं, और हमने तो मतलब उम्मीद छोड़ दी थी कि हम जाएंगे,
लेकिन फिर 3:30 बजे मेरा ऐसा मन करा कि यार अब नहीं जाएंगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा यार, मतलब बार बार ना अफसोस मनाएंगे। क्योंकि मेरी बहन है ना, वो भाई अपने घर से आई थी तो वो कह रही थी कि क्या कहते हैं, मैं आई इसलिए थी कि भाई मैं चलूँ केदारनाथ, फर्स्ट टाइम जाने का था उसका। और मेरी बीवी भी मेरे साथ, भाई वो फर्स्ट टाइम जा रही है मेरे साथ, क्या वैसे भी नहीं गई वो कभी केदारनाथ। तो मैंने बोला यार दोनों का ना मतलब प्लान कैंसिल ना होने दूँ मैं अपनी वजह से या किसी भी रीज़न से। तो मैंने बोला भाई तुम्हें मैं ले चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला था मैं ही लेके चलता हूँ तुम्हें। मेरे भाइयों पहाड़ों में एंटर होने के लिए तैयार हो जाओ। और भाई व्यू चेक करो यहाँ का, बड़ा प्यारा व्यू लग रहा है देखो भाई, पहाड़ के जस्ट टॉप पे देखो फुल काले बादल। और ऋषिकेश यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर। ये लो भाई हम पहुँच गए ऋषिकेश। और भाई पीछे बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, बहुत तगड़ा। हाँ रामझूला के चक्कर में लगा हुआ था जाम। मैं ना कोई नहीं भाई इसे पार करते हैं। ये क्या हमें जाना कहाँ है भाई, इधर ही तो जाना है हमें यार। मैप मैंने बंद कर रखा था, मैंने बोला यार चल 120-130 किलोमीटर यहीं जाना है तो मैप को बंद कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी 3-3 ऑप्शन दिखा देता है ना भाई, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है। मेरे भाइयों हम रुक गए भाई रास्ते में। भाई मैं रुका था इसलिए, मैं क्या हम सब रुके थे इसलिए क्योंकि भाई हमें खाना था मैगी। और भाई इसमें मैगी बन गई है, मैं इसको पहले बंद कर दूँ भाई। ओए होए इसको पकड़ू किससे, इसी से पकड़ते हैं भाई। ये देखो भाई ये भी अपनी मैगी बन गई है भाई इसके अंदर। और ना सूखा सूखा खाना भाई थोड़ा ज़्यादा पसंद है क्योंकि सुबह सुबह ना पूरा पानी वाला खा के आया, मतलब ग्रेवी वाला पूरा सूप जैसा। अभी इसको भाई सर्व करेंगे और फिर खाने के बाद फिर थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे भाई यहाँ से। भाई पत्ता निकाल बहन इसी में, अच्छा निकाल रखा है। डिस्पोजल वगैरह सब लेके आए थे भाई, ये देखो ला तीन है ना, क्या जी बोले 30 रुपये। चलो भाई इसमें निकालते पहले। ये देखो भाई अजीब जानवर है, जब देखो तब खाता ही रहता है। देखा जानवर को अच्छे से पता है उसे बोलना क्या और सुनना क्या है। चलो भाई इसको खाते हैं और खाने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। मेरे भाइयों हम पहुँचने वाले हैं रुद्रप्रयाग, लेकिन उससे पहले अभी भाई एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। धरी देवी टेम्पल जो है पानी के बीचों बीच, वो दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आगे है। लेकिन यहाँ से रुद्रप्रयाग 10 किलोमीटर और पड़ेगा आगे, तो पहले तो मैं ये दिखा दूँ भाई। अभी हमें आगे जाना थोड़ा सा, और सोनप्रयाग यहाँ से है 90 किलोमीटर, 95 किलोमीटर होएगा, 91। रुद्रप्रयाग यहाँ से 18 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। भाई रॉयल एनफील्ड की ये जो इलेक्ट्रा है ना भाई, इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है, इतना कम है कि हल्का सा भी इसको लेटाओ, हल्का सा भी भाई, कभी इधर का स्टैंड लग जाए, कभी उधर का साइलेंसर लग जाए। इस वजह से बहुत धीरे चला रहा हूँ मैं इसको, इसी स्पीड में चलाते चलाते आया हूँ मैं इसे। ये देखो भाई ये मंदिर का, पता है जो पोल है ना नीचे वाला, ये पानी इतना भरा हुआ नहीं था, ये अभी खोला है इसलिए इतना भरा हुआ है पानी, पहले इतना नहीं था भरा हुआ। क्या जी नाम क्या है? धरी देवी, धरी देवी। चले चलो भाई यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब टाइम है, 4 बज चुका है।
जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी भाई आराम करने को मिलेगा सही से। बोले अब यहाँ से 16 किलोमीटर रह रहा है रुद्रप्रयाग। तो भाई दोस्तों हम यहाँ पे आके रुक गए, ये अपने होटल का नाम है जहाँ हम रुके हैं और ये इन अंकल का होटल है। मैं यहाँ से जा रहा था तो इन दोनों भाई ने मेरे को रोक लिया, बोला भैया होटल चाहिए, तो मैंने ठीक है भाई हम ले लेंगे रूम। तो हम यहाँ पे रुक गए क्योंकि मैंने बोला कि सोनप्रयाग पास में ही है, यहाँ से 30 किलोमीटर है और पवन कह रहा है कि पवन भी यहीं आ जाएगा। पवन से मेरी बात हुई थी, पवन भी निकल गया घर से, तो मैंने कोई बात नहीं तू यहीं पे आ जा, मैं तेरे को यहीं पे मिल जाऊंगा, अभी लोकेशन वगैरह उसे सेंड कर दूंगा। बाकी ये होटल है किसका? अच्छा वो अच्छा अच्छा नहीं 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 मतलब मैं व्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ मैं, तो मैं इसके लिए मना रहा हूँ, बाकी और कोई कारण नहीं है। बाकी भाई मैं आपको कमरा दिखाता हूँ, कमरा भी बहुत प्यारा है यहाँ पे। मैंने बोला भाई अभी रात में जाना क्या जाए, इतना हम थक चुके हैं, इतने कंटिन्यू हम चल रहे थे। हाँ जी हाँ हाँ, तो मैंने बोला कि अभी रहने देते, और मौसम देख लो भाई बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो रहा है पूरे रास्ते। मैंने बोला भोलेनाथ बस बारिश मत करवाना, सेफली पहुँचा देना। और ये रहा भाई अपना कमरा, ये देख लो भाई, भाई कमरा मेरे को बहुत मस्त लगा। तो मैंने कोई बात नहीं हम यहीं पे रुक जाते हैं और भाई अब यहाँ पे आराम तोड़ेंगे और सुबह निकलेंगे यहाँ से। बाकी मैं इधर का पूरा दिखा देता हूँ, ये देखो भाई इधर का लाइट क्यों नहीं जल रहा भाई, अभी लाइट गई है बस 5 मिनट पहले गई है। तो मैंने बोला इन्वर्टर है तो इन्वर्टर चालू कर दो, तो बोला कोई बात नहीं हम इन्वर्टर चालू कर देते हैं। बाकी यहाँ पे भाई आराम करते हैं और देखते हैं पवन कब आता है, मेरे हिसाब से तो वो सुबह ही आएगा, लेकिन मैंने फिर भी इन्हें इन्फॉर्म कर दिया भाई कि एक और बंदा है, वो कब आएगा नहीं पता पर है एक बंदा। बाकी आराम वगैरह करते हैं और सुबह निकलेंगे। तो भाई यहाँ से कंटिन्यू सुबह का दिखाएंगे आप लोगों को जब हम केदारनाथ यात्रा के लिए पहुँचेंगे, कहाँ पर? सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग यहाँ से जो रास्ता दिखाया अभी मैंने इधर की साइड, वो है यहाँ से 30 किलोमीटर। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं रुक जाते हैं यहाँ पे। बाकी दोस्तों सुबह मिलते हैं, यहाँ से कंटिन्यू दिखाता हूँ आप लोगों को सुबह। भाई मैंने होटल लिया था यहाँ पे, आप लोगों को मैंने जैसे कि पहले दिखाया, डेढ़ घंटा हो गया मेरे को ऑलमोस्ट। अब डेढ़ घंटे बाद ये कह रहे हैं भाई होटल खाली करो, हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, बट मालिक ने कह दिया कि भाई यहाँ पे नहीं रुकना और मना कर दिया साफ हमें। तो वो अंकल कहाँ गए, अंकल कहाँ गए जिनसे मेरी बात हुई थी? क्या हो गया अंकल जी? हाँ जी, अरे अभी तो आपसे बात हुई थी, क्या हो गया? कह रहे हैं कि वो खाली कर दो। चलो भाई खैर, इनके मालिक ने मना कर दिया, बोल दिया भाई खाली करने के लिए विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने चलो कोई बात नहीं हटाओ, हम खाली कर रहे हैं भाई अभी से।